राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी तीन बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। वो तीनों बहुत ही आलसी थी। बहुओं के होते हुए भी टूनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। क्या करूं, तीन तीन बहुओं के होते हुए भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। आओ आओ मेरी बहुओं, मुझे तुम तीनों को कुछ देना है। ये सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। ये माँ जी हम लोगों को क्या देने वाली है? लगता है कुछ खाने की चीजें देंगी। अरे नहीं रे, माँ जी हम लोगों को क्या देंगी, वो तो खुद ही चटोरी है, उनसे कुछ बचेगा तब ना। अरे चुप रहो तुम दोनों, मैं इस घर की बड़ी हूँ। शायद माँ जी घर की चाबी मुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या खरीद कर लाई हूँ। माँ जी क्या है इन डब्बों में? टुनटुनी बहू तुम्हें पता है ना, करवा चौथ आने वाला है। मैं तुम तीनों बहुओं के लिए गहने लेकर आई हूँ। टूनी चिड़िया तीनों बहुओं को एक एक गहने का डब्बा देती है। माँ जी ये तो बहुत सुंदर है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र एक दूसरे जेवर के डब्बे पर पड़ जाती है। माँ जी उस डब्बे में क्या है? अच्छा उस डब्बे में, उसमें पुश्तैनी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था करवा चौथ के दिन। मैं इसे ही पहनकर पूजा करती थी। फिर तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। रात को टुनटुनी चिड़िया को पुश्तैनी हार के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा करती हूँ, कल सुबह सुबह उठकर मैं घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। माँ जी जब ये सब देखेंगी तो अपना पुश्तैनी हार मुझे दे देंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने लगती है। बर्तन की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवे की नींद टूट जाती है। ओह तो ये बात है, घर का सारा काम अकेले करके माँ जी को इम्प्रेस करना चाहती हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, हार तो मैं ही लूंगी माँ जी से। मैं अभी चाय बनाकर माँ जी को देती हूँ, मेरे हाथ की बनी चाय पीकर माँ जी खुश हो जाएंगी। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है। अरे टुनटुनी भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाकर सो जाओ, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूँगी। नहीं मैं भी तुम्हारे साथ काम में लग जाती हूँ, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पहले मैं माँ जी को चाय बनाकर दे देती हूँ। सुंदरी चाय बनाने लगती है। माँ जी ये लीजिए अदरक वाली चाय, मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। क्या कहा बहू, ये चाय तूने बनाई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है। टुनटुनी भाभी मैं सोच रही हूँ बच्चों के पढ़ने के लिए ट्यूशन लगवा लूँ, आप तो जानती है आजकल की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। तभी टुनी चिड़िया ये बात सुन लेती है और बबली कबूतरी से कहती है। नहीं बहू, इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। टुनटुनी बहू तू ही क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा देती, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ माँ जी मैं जरूर पढ़ा दूंगी, लगता है माँ जी मुझसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझसे कहा। अब तो इसमें कोई शक नहीं, वो पुश्तैनी हार मुझे ही मिलेगा। इस तरह तीनों बहुएं अपना आलस छोड़ देती हैं और पुश्तैनी हार की लालच में घर का सारा काम करने लगती है। और एक दिन टूनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ये लो बहू, तुम तीनों की मेहनत का इनाम है मेरे पास, दो और पुश्तैनी हार हैं। तुम तीनों को मैं एक एक हार दे रही हूँ, इस पुश्तैनी हार को तुम लोग संभाल कर रखना। हाँ हाँ माँ जी हम लोग इस पुश्तैनी हार को संभाल कर रखेंगे। तीनों बहुएं अपनी सास के दिए तोहफे से बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालने लग जाती हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है, उसके साथ उसकी दो और सहेलियाँ थीं। वो सभी एक हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है। अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है,
मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ, आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टुनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है, मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है, मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज की होती हो टुनटुनी चिड़िया, मैं ये पानी पी लेती हूँ, थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और दो दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब, ये गांव है गांव, यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तुम मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ, हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में दो दिनों तक रुकेंगी। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मैम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं, इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय, गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाओ टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूँ, क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो, अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी, वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो, मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है। मथुरा के जंगल में सुंदरी कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और बेटे कालू कौवी के साथ रहती थी। सावन का महीना शुरू हो गया था, जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ बैठी चाय पी रही थी। माँ, ये सुबह सुबह टुनटुनी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं बेटा कहाँ गई है, मुझे बताकर नहीं गई, यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, अभी आ जाएगी, तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीने लगते हैं, तभी टुनटुनी चिड़िया हाथों में पूजा की थाल लिए घर के अंदर आती है।
अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तो कहाँ चली गई थी? हम दोनों चाय पर तेरे इंतजार कर रहे थे। देख, तेरी चाय ठंडी हो गई। माँ जी, आपको नहीं पता, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में मैं बिना पूजा किए कुछ भी नहीं करती, इसलिए मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई। उस समय आप लोग सो रहे थे, मैंने आप लोगों को उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास और पति को प्रसाद देती है। जा बहू, अब जाकर कालू के लिए नाश्ता बना दे, नहीं तो बिना नाश्ता किए भूखा पेट चला जाएगा। जा फिर बात करते हैं। टुनटुनी नाश्ता बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कौआ अपने ऑफिस से घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए एक डाल पर झूला डाल दो, फिर मैं उस पर बैठूंगी और तुम मुझे झुलाना। अरे पागल हो गई हो क्या, जो मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें झूला झुलाने आऊँगा? अब तो बचपना भूल जाओ। नहीं, इस सावन में आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा? क्यों मेरा मूड ऑफ कर रही हो सुबह सुबह? इतना कहकर कालू कौआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस तरह दो दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना मुंह फुला लेती है, वो सारा काम करती लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती। बहू, तू तो जानती है कालू को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, वो तुम्हारी जिद को पूरा कैसे करेगा? माँ जी, मैं क्या उन्हें पूरा दिन झूला झुलाने को बोल रही थी? बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना था। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। मेरी सभी सहेली अपने पतियों के साथ झूला झूलेंगी और एक मैं ही हर साल की तरह रह जाऊंगी। बहू, तुझे झूला ही झूलना है ना? तू ऐसा कर, पर्दे के पाइप में रस्सी बांधकर झूला लगा ले। शाम को जब कालू घर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, वो तुझे झूला झुला दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर झूला लगाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे के पर्दे वाली पाइप में रस्सी डालकर अपने लिए झूला तैयार कर लेती है। चलो, झूला तो तैयार हो गया, मैं इस पर बैठकर देखती हूँ, ठीक ठाक बना है ना? जैसे ही टुनटुनी चिड़िया झूले पर बैठती है, झूला टूट जाता है और टुनटुनी चिड़िया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ओए माँ, मैं गिर गई, मेरी कमर टूट गई। टुनटुनी के रोने की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे बहू, तू नीचे कैसे गिर गई? और तू इतना चिल्ला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप में रस्सी बांधकर अपने लिए झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी ये झूला टूट गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरी कमर में बहुत तेज चोट लगी है। तभी कालू भी ऑफिस से घर आ जाता है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, ऐसा भी कोई करता है? तुम जीती मैं हारा, तुम्हें रविवार को पार्क में झूला झुलाने ले चलूंगा, फिर तुम जितनी मर्जी उतना झूला झूलना। दो दिन बाद रविवार था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौए के साथ पार्क में झूला झूलने जाती है। वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और उन पर पक्षी अपनी अपनी पत्नी को झूला झूला रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी एक झूले पर बैठ जाती है और कालू कौआ उसे झूला झुलाने लगता है। झूला झूलते हुए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी, वो काफी देर तक झूला झूलती रहती है। फिर दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। अब मैं भी अपनी सहेलियों को फोन पर बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया है। माँ जी, अगर आज आप भी पार्क में आई होती तो देखती बहुत सारे पक्षी अपनी पत्नियों को झूला झुला रहे थे। बहू तो खुश है ना, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी के सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी? लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ।
बहू अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे वो उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या हर्ज है? तुम कान खोल कर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है, क्या बात है? तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा, इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चला फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा ला कर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्ला कर कहती है, माँ जी ये देखिए, मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टुनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टुनी चिड़िया कहती है, अरे देख तो बंटी, तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवी का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। फिर अपना एक अलग घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए उससे कहती है, बंटी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है।